13 दिसंबर 2013 की ये दोपहर राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को प्रदेश की कमान सौंपी थी। इन कंधों पर अब भारी जिम्मेदारी का बोझ था। राजस्थान ऐसी मुश्किलों से जूझ रहा था जिनसे पार पाना असंभव लगता था। सबसे बड़ी समस्या थी बिजली कंपनियों की खस्ता माली हालत। पिछले 5 सालों में एक तरफ तो बिजली सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी और दूसरी ओर बार बार बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद भी बिजली कंपनियों का घाटा 400% बढ़ गया था। ₹72,000 करोड़ के इस कर्ज को यूं समझिए कि इसकी गणना अगर राज्य की आबादी से की जाए तो हर राजस्थानी पर ₹10,000 से ज्यादा का कर्ज था। इन कंपनियों के पास ना तो बैंकों को लौटाने के लिए पैसे बचे थे और ना ही कोयला खरीदने के लिए। बात सिर्फ बिजली की नहीं थी, विरासत में मिले इतने बड़े कर्ज से जूझती सरकार को सड़कें बनानी थी, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाने और चलाने थे, गांव शहरों को पानी पहुंचाना था। पिछले 60 सालों में ऐसी कठिन चुनौती का सामना ना तो राजस्थान ने किया था और ना ही किसी मुख्यमंत्री ने, पर ये किसी और ही मिट्टी की बनी थी। राजस्थान के भविष्य और उसके निवासियों के हित में वसुंधरा राजे वो सभी सही और कड़े फैसले लेने को तैयार थीं जो पिछली सरकारों ने नहीं लिए थे। सरकार ने बिजली कंपनियों के घाटे का ₹62,000 करोड़ अपने ऊपर ले लिया और इस पर लगने वाला ₹5,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना ब्याज भी खुद चुकाने का फैसला किया। इसके साथ ही चीजत कम करने और बिजली वितरण की व्यवस्था के सुधार पर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। बिजली संकट से जुड़ी वो बातें आज कहानी सी लगती हैं। जहां 15 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती थी, वहां आज 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। खेतों में भी 6 से 8 घंटे बिजली मिलती है। सरकार ने पिछले 4 सालों में 22,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाई और 5,500 से ज्यादा नए गांव ढाणियों को सड़कों से जोड़ा। सड़कों के निर्माण का ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्राम पंचायत को धूल मिट्टी कीचड़ से छुटकारा दिलाकर बढ़िया सीमेंट कंक्रीट की सड़क ग्रामीण गौरव पथ बनाए जा रहे हैं। पानी की बड़ी परियोजनाओं पर ₹1,000,000,000 खर्च करके 10,000 नए गांव और ढाणियों को पानी पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में 12,000 गांवों को पानी के इन ढांचों के रूप में ऐसी सौगात मिली है जिनसे वो कई सालों तक हर साल अपने लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा में नई जान डालने के लिए वसुंधरा राजे ने हर ग्राम पंचायत पर सरकारी स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने का काम शुरू किया। हजारों स्कूलों में जहां बैठने पढ़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं थे, आज वहां कंप्यूटर लैब, इंटरनेट और खेलकूद की सुविधाएं हैं। कई और समस्याओं की तरह बेरोजगारी की जड़ें भी इतनी गहरी थीं कि तुरंत समाधान कर पाना असंभव था। मुख्यमंत्री ने इसके दो पहलुओं पर काम शुरू किया। एक तरफ तो राजस्थान ने अपने युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप के लिए देश में सबसे जबरदस्त काम किया। साथ ही सरकार में 3.25 लाख भर्तियां खोली गईं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार और स्वरोजगार के 12 लाख नए अवसर तैयार किए गए।
बेटियों के लालन पालन और पढ़ाई की पुख्ता व्यवस्था के लिए राजश्री योजना चालू की, जिसमें सरकार हर बेटी को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। सदियों से गांव में एक निर्धन परिवार के लिए बीमारी का मतलब होता था बड़ा खर्च और एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने में बरसों बीत जाते थे। ये बात उन्हें बहुत परेशान करती थी और इसे बदलने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। राज्य में पहली बार सरकार ने 1 करोड़ जरूरतमंद परिवारों के 4.5 करोड़ लोगों को कैशलेस इलाज के लिए बीमा कवर दिया। सरकार ने न केवल सरकारी अस्पतालों और 750 प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा, बल्कि मुफ्त दवाइयों और जांच का दायरा भी बढ़ाया, जिससे करोड़ों जरूरतमंदों को राहत मिली। राज्य में निकलने वाले कच्चे तेल पर मिलने वाली रॉयल्टी सरकार के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया है। कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण ये आमदनी घटने लगी और आर्थिक संकट और गहराता चला गया। लेकिन मुख्यमंत्री को ना तो राज्य की प्रगति में कोई समझौता मंजूर था और ना ही गरीबों के कल्याण में कोई कमी मंजूर थी। मुख्यमंत्री ने राज्य में रिफाइनरी लगाने के पिछली सरकार के जल्दबाजी में किए गए फैसले की समीक्षा के आदेश दिए। जयपुर से दिल्ली तक बैठकों के दौर चले और राज्य सरकार के 56,000 करोड़ के भार को घटाकर 16,000 करोड़ पर लाया गया। इस तरह 40,000 करोड़ रुपए की बचत के साथ सबसे आधुनिक रिफाइनरी पर काम चालू हुआ। आने वाले सालों में इससे बाड़मेर और आसपास के क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले 4.5 साल में अलग अलग योजनाओं में 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। वो जानती थी कि इसके बाद भी छोटे किसानों को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और ये बात उन्हें हमेशा सताती थी। उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए इन छोटे किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए। इस फैसले से लगभग 30 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने शहरी इलाकों में जरूरतमंदों को सस्ता और बढ़िया खाना देने के लिए अन्नपूर्णा रसोई वैन्स शुरू की। रोज 3 लाख लोग यहां अपना पेट भरते हैं। मुख्यमंत्री हमेशा कहती हैं कि अच्छी सरकार वो है जिसकी आम आदमी को कभी जरूरत ही ना पड़े, जहां कभी लोगों को सरकार के पास जाना ही ना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिससे खुद सरकार लोगों के पास पहुंचकर सरकारी सेवाएं दे रही है। ये आज देश में ऐसी सबसे बड़ी व्यवस्था है। आजादी के बाद 70 साल से इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि सरकारी योजनाओं के पैसे का एक बड़ा हिस्सा गरीबों तक पहुंचता ही नहीं। उन्होंने कहा, क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिससे गरीबों को उनका पूरा हक मिले। उन्होंने 2008 में शुरू की भामाशाह योजना को फिर से एक नए रूप में लागू किया, जिससे आज हर महीने 1 करोड़ परिवारों को पुख्ता पहचान से राशन मिलता है। भामाशाह से ही 54 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लोगों के खाते में जाने लगा है और अब तक 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बिना किसी देरी या परेशानी के लोगों को सीधा उनके खातों में मिली है। पिछले 4.5 साल में राजस्थान में जो काम हुआ है उसके बारे में दिसंबर 2013 की उस दोपहर को सोच पाना भी नामुमकिन था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदे को ताक पर रखकर जनता के हित में फैसले लिए
ऐसी सोच और इरादों से राजस्थान को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है।